हे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको टॉप 10 गैंगस्टर इन गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा के बारे में बताने वाले हैं। इन गैंगस्टरों में से कुछ गैंगस्टर को गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया है, तो वहीं कुछ गैंगस्टर गौतम बुद्ध पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। जो गैंगस्टर अभी भी फरार हैं उन्हें गौतम बुद्ध नगर पुलिस तलाश करने में जुटी हुई है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट में किसी गैंगस्टर का नाम छूट गया है तो आप हमें दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। हम जब कभी भी इस वीडियो का पार्ट टू बनाएंगे तो आपके द्वारा कमेंट किए गए नामों को वीडियो में जरूर शामिल करेंगे। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 10 पर नाम आता है गौतम बुद्ध नगर के कुख्यात गैंगस्टर अनिल भाटी का। अनिल भाटी कुख्यात गैंगस्टर सुंदर भाटी का भतीजा है। गैंगस्टर अनिल भाटी पर हत्या के प्रयास, रंगदारी पिरोती के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ है। अनिल भाटी का नाम चर्चा में जब आया, जब अनिल भाटी ने 1.5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता शिव कुमार की हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड में पुलिस ने अनिल भाटी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उसकी हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट से जमानत लेकर बाहर आ गया था। जेल से बाहर आने पर उसने नोएडा के एक ट्रांसपोर्टर से रंगदारी 45 लाख रुपये मांगी है। न देने पर इल्जाम बुरा होगा। इस मामले में गौतम बुद्ध नगर पुलिस इसकी तलाश में लगी है, लेकिन अनिल भाटी पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 9 पर नाम आता है गौतम बुद्ध नगर के कुख्यात गैंगस्टर सिंहराज भाटी का। सिंहराज भाटी ग्रेटर नोएडा में दनकोर क्षेत्र के गांव रामपुर माजरा का रहने वाला है। सिंहराज रिश्ते में सुंदर भाटी का भाई लगता है और सुंदर भाटी गैंग के लिए काम करता है। सिंहराज पर हत्या के प्रयास, रंगदारी के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वर्ष 1989 में सिंहराज भाटी ने जरारम की दुनिया में कदम रखा था। वह सुंदर भाटी के बड़े भाई पटवारी सिंह के साथ कॉलेज में पढ़ता था। पटवारी की हत्या के बाद सिंहराज ने सुंदर को अपने गैंग में शामिल कर लिया था। दोस्तों, आपको बता दें कि सिंहराज ने सबसे पहले अपने साथी हरेंद्र चीती की पत्नी, उसके प्रेमी व उसकी पुत्री की हत्या की थी और इसके बाद इसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया। वह एक हत्या के मामले में फरार चल रहा था, तभी सुंदर भाटी की गिरफ्तारी हो जाती है। सुंदर भाटी की गिरफ्तारी के समय सिंहराज वहीं मौजूद था जो वहां से भाग निकला था। मुखबिर की एक खास सूचना पर ग्रेटर नोएडा से सिंहराज को उसके साथी के साथ एसटीएफ टीम ने गिरफ्तार कर लिया और सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 8 पर नाम आता है गौतम बुद्ध नगर के कुख्यात गैंगस्टर अमित कसाना का। अमित कसाना मामा नरेश भाटी और रणदीप भाटी की मौत के बाद गैंग की बागडोर अमित कसाना के हाथों में है। अमित कसाना का नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अपना आतंक है। अमित पर हत्या के प्रयास, जबरन वसूली और दंगा कराने के 20 से भी अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अमित कसाना की गैंगस्टर सुंदर भाटी गैंग से वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, जिसमें कई हत्याएं हो चुकी हैं। अमित कसाना की यूपी पुलिस को कई मामलों में तलाश थी। अमित कसाना नरेश भाटी का भांजा है। नरेश भाटी गौतम बुद्ध नगर का जिला पंचायत अध्यक्ष था। सुंदर भाटी और नरेश भाटी के बीच गैंगवार होती रहती थी, जिसमें सुंदर भाटी ने नरेश भाटी की हत्या कर दी थी, जिसके लिए वह जेल भी गया था। वर्ष 2011 में सुंदर भाटी की भांजी की शादी में अमित कसाना ने अपने गैंग के साथ मिलकर AK-47 से हमला किया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन सुंदर भाटी बच गया था। हमले के बाद अमित कसाना को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन वह बाद में बाहर आ गया था। पुलिस इससे पूछताछ करने में लगी हुई है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 7 पर नाम आता है गौतम बुद्ध नगर के कुख्यात गैंगस्टर अंकित गुज्जर का। अंकित गुज्जर पर हत्या के प्रयास, रंगदारी के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसका नाम चर्चा में जब आया, जब इसने भाजपा के एक नेता की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी थी। अंकित एक शातिर और खूंखार प्रवृत्ति का गैंगस्टर था। इसको तिहाड़ जेल में रखा गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि जेल के अधिकारी अंकित गुज्जर को वहाँ से स्थानांतरित करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वह वहां से जाने को तैयार नहीं था। इसी विवाद में अंकित गुज्जर ने उपाध्यक्ष को
थप्पड़ जड़ दिया था, जिसके कारण जेल के सुरक्षा कर्मियों ने उसकी पिटाई की थी। अगली सुबह अंकित गुज्जर कोठरी में मृत पाया गया था। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 6 पर नाम आता है गौतम बुद्ध नगर के कुख्यात गैंगस्टर जोगेंद्र उर्फ जुगला का। गैंगस्टर जोगेंद्र उर्फ जुगला अमित कसाना गैंग का सदस्य है, जो किराए पर अमित कसाना के लिए काम करता है। जुगला पर हत्या के प्रयास, अपहरण के कई आपराधिक मामले जुगला ने जयराम की दुनिया में कदम वर्ष 1997 में रखा था और लूट व अपहरण की आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया था। इसी दौरान सुंदर भाटी गैंग ने रंजिश के चलते जुगला के भाई रविंदर की हत्या कर दी। घटना के बाद जुगला ने कसम खाई कि वह अपने भाई की हत्या का बदला लेगा, इसीलिए वह अमित कसाना गैंग से जुड़ गया। वर्ष 2011 में साहिबाबाद में एक शादी समारोह व पुलिस अभिरक्षा में दादरी रेलवे क्रॉसिंग पर अत्याधुनिक हथियारों से जुगला ने सुंदर भाटी पर हमला किया, लेकिन वह बच गया। जुगला ने वर्ष 2013 में हप्पुड़ कचहरी में पुलिस कस्टडी में अशोक उर्फ राका की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जुगला की तलाश पुलिस को पिछले 5 वर्षों से थी। लखनऊ एसटीएफ व पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ के बाद 50,000 के इनामी गैंगस्टर जुगला उर्फ जोगेंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 5 पर नाम आता है गौतम बुद्ध नगर के कुख्यात गैंगस्टर कुलबीर भाटी का। गैंगस्टर कुलबीर भाटी गौतम बुद्ध नगर के दादरी के गांव डिठोली का रहने वाला है। कुलदीप भाटी पर हत्या के प्रयास, रंगदारी, अवैध खनन और बड़े ठेकेदारों को डराने धमकाने के 11 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। कुलबीर भाटी ने वर्ष 2012 में जराराम की दुनिया में कदम रखा था और चमन भाटी की हत्या कर दी थी और वहां से फरार हो गया था। फरारी के दौरान उसने एक गैंग बनाया, जिसमें इसकी मदद अमित कसाना और रणदीप ने की थी। ये गैंग सभी बड़ी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता था। पुलिस कुलबीर भाटी की तलाश में लगी हुई थी, लेकिन इसका कोई सुराग नहीं लग रहा था। एक खास सूचना पर पुलिस व एसटीएफ की टीम ने कुलबीर भाटी को उसके गांव रिटोली से उसके साथी के साथ गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 4 पर नाम आता है गौतम बुद्ध नगर के कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना का। अनिल दुजाना पर हत्या के प्रयास, रंगदारी, विरोधि और अपहरण के 47 से भी ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। अनिल दुजाना का नाम चर्चा में जब आया, जब इसने जयचंद की गोली मारकर हत्या कर दी थी। दोस्तों, आपको बता दें कि वर्ष 2011 में सरिया चोरी को लेकर सुंदर भाटी व अनिल दुजाना के बीच दुश्मनी शुरू हुई। दोनों गिरोह का काम सरिया चोरी का है। इस काम में वर्चस्व को लेकर शुरू हुई दुश्मनी में जयचंद की हत्या की गई। आपको बता दें कि बादलपुर में सुंदर गिरोह सक्रिय होने लगा था। यह बात अनिल को नामवार गुजरी थी। जयचंद की हत्या में उसकी पत्नी संगीता गवाह है। अनिल ने संगीता को धमकी दी है कि वह केस में पैरवाई ना करे, नहीं तो इल्जाम अच्छा नहीं होगा। अनिल दुजाना की तलाश में पुलिस जुटी हुई है, लेकिन अनिल दुजाना फरार चल रहा है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 3 पर नाम आता है गौतम बुद्ध नगर के कुख्यात गैंगस्टर रणदीप भाटी का। रणदीप भाटी जिला अध्यक्ष रहे नरेश भाटी का छोटा भाई है। नरेश भाटी गैंग का मास्टरमाइंड रहा था। नरेश और रणपाल भाटी की मौत के बाद गैंग की कमान रणदीप भाटी ने संभाल ली। कुछ ही दिनों में रणदीप भाटी वेस्ट यूपी में आतंक का पर्याय बन गया। रणदीप पर यूपी, दिल्ली समेत कई राज्यों में हत्या का प्रयास, रंगदारी के 13 से भी अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। कुख्यात अनिल दुजाना गैंग से हाथ मिलाने के बाद यह गैंग सक्रिय है। एक आपराधिक मामले में इसे पुलिस ने गिरफ्तार करके दिल्ली की मंडोली जेल में डाल दिया है। रणदीप भाटी सजा काट रहा है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 2 पर नाम आता है गौतम बुद्ध नगर के कुख्यात गैंगस्टर नरेश भाटी का। नरेश भाटी पढ़े लिखे परिवार से था। प्रॉपर्टी विवाद में परिवार वालों की मौत का बदला लेने के लिए नरेश ने जुल्म की दुनिया में कदम रखा था और उस समय के नामी गैंग सतबीर गुज्जर गैंग में शामिल हो गया था। इसी गैंग में सुंदर भाटी भी था। दोनों की दोस्ती हो गई। दोनों ने मिलकर दिल्ली सहित पश्चिम यूपी में हत्या, लूट और रंगदारी की वारदातों को अंजाम दिया। सतबीर गुज्जर गैंग में रहते हुए दोनों की दोस्ती ज़्यादा दिन नहीं चल सकी। सुंदर भाटी सिकंदराबाद ट्रक यूनियन पर कब्जा करना चाहता था और ऐसी ही मंशा नरेश भाटी की भी थी। दोस्तों, आपको बता दें कि इस दोस्ती में पड़ी जो दरार थी, इसको मिटाने के लिए
नरेश ने जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहता था, जबकि सुंदर भाटी ने भी यही बात की थी। दोस्ती में दरार पड़ गई और दोनों में गैंगवार होने लगी। गैंगवार में ट्रक यूनियन के दो अध्यक्षों की हत्या भी हो गई, जबकि नरेश ने चुनाव लड़ा भी और जीता भी। इस हार जीत के खेल में दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। वर्ष 2003 में सुंदर भाटी ने नरेश भाटी पर हमला बोल दिया, जिसमें नरेश बच गया और गनर और ड्राइवर मारे गए। नरेश वहां से बचकर भाग निकला। मार्च 2004 में एक बार फिर सुंदर ने गगोला पुलिया के पास नरेश की गाड़ी को घेरकर गोलियों से भून दिया, जिसमें नरेश की मौके पर ही मौत हो गई थी। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर एक पर नाम आता है गौतम बुद्ध नगर के कुख्यात गैंगस्टर सुंदर भाटी का। सुंदर भाटी ने नरेश भाटी की हत्या के बाद अपनी पत्नी को ब्लॉक प्रमुख बनवा दिया और कोई सबूत न होने पर वह बाहर आ गया। सुंदर भाटी पर हत्या के प्रयास रंगदारी के दर्जनों से भी ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सुंदर भाटी ने एक स्थानीय कारोबारी हरिंदर प्रधान से रंगदारी मांगने पैसे न देने के बाद हरिंदर प्रधान की हत्या हो गई और आरोप फिर से सुंदर भाटी पर लगा। इस मामले में सुंदर भाटी के साथ 9 लोगों का नाम आया। अदालत ने वर्ष 2021 में सुंदर भाटी को आजीवन कारावास की सजा हरिंदर प्रधान की हत्या में सुनाई है। सुंदर भाटी सलाखों के पीछे सजा काट रहा है। तो दोस्तों, ये थे टॉप 10 गैंगस्टर इन गौतम बुद्ध नगर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।